Hello everyone, welcome back to your UPSC. So guys, in the last class we started with our Temple of India series, ठीक है, जिसमें अपन ने last class में basically सिर्फ जो नागरा style है and द्रविडियन style है इन temple architectures का characteristic देखा था, ठीक है. For today we will continue with this, ठीक है, अपन वैसर style की characteristics देखेंगे and after that अपन अपना पहला state start करेंगे, that is the state of Andhra Pradesh, ठीक है. तो state of Andhra Pradesh के कुछ temples, जो important temples हैं, उनको अपन discuss करेंगे. Okay, so let's get started. नाउ अपन ने तीन टाइप ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर देखा था, नागरा स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल एंड वैसर स्टाइल, ठीक है. इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, नागरा स्टाइल अपन डिस्कस कर चुके हैं, आज अपने को करना है वैसर स्टाइल, ठीक है. वैसर स्टाइल आप क्या देखेंगे गाइज, ये 7th century में आया था, ठीक है, 7th century में आया था. बेसिकली इसका जो होयसाला एम्पायर था, ठीक है, होयसाला एम्पायर था, उन्होंने इसका इनिशिएशन किया था, ठीक है. तो वैसर स्टाइल जो है वो ओरिजिनेट होती है अंडर द होयसल एम्पायर, ठीक है, होयसल एम्पायर के अंदर ये इनिशिएट होती है, ओरिजिनेट होती है. अब अपन इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, ठीक है. तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अपन नागरा स्टाइल एंड द्रविडियन स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो उनके कंपैरिजन से ही अपन ज़्यादातर कैरेक्टरिस्टिक्स जान जाएंगे वैसर स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर की, ठीक है. तो अपन एक साइड लेंगे नागरा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर, दूसरी साइड वैसर स्टाइल, एंड इन दोनों में देखेंगे कि वैसर स्टाइल ने, दूसरी साइड द्रविडियन स्टाइल, एंड इन दोनों में अपन देखेंगे कि वैसर स्टाइल ने किसका जो स्टाइल है, ठीक है, किसका कॉन्सेप्ट बेसिकली कॉपी किया है या लिया है, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी आएगी बाउंड्री वॉल्स, ठीक है. बाउंड्री वॉल्स आप देखेंगे नागरा स्टाइल में बाउंड्री वॉल्स नहीं होती, ठीक है. नागरा स्टाइल में ज्यादातर टेम्पल्स में बाउंड्री वॉल आपको देखने को नहीं मिलेंगी, वेर एज द्रविडियन स्टाइल में आपको बाउंड्री वॉल्स देखने को मिलेंगी, ठीक है. द्रविडियन स्टाइल में आपको बाउंड्री वॉल देखने को मिलेंगे, एंड वैसर स्टाइल में आप क्या देखेंगे गाइस, कहीं पे बाउंड्री वॉल है एंड कहीं पे बाउंड्री वॉल नहीं है, ठीक है. देन नेक्स्ट आता है आपका रेस्ड प्लेटफॉर्म, ठीक है. रेस प्लेटफॉर्म की अगर अपन बात करें तो नागरा स्टाइल में अपन ने दो रेस प्लेटफॉर्म की बात की थी, फर्स्ट वन वॉज अधिष्ठान, दूसरा क्या था आपका जगती, ठीक है. तो रेस प्लेटफॉर्म का कॉन्सेप्ट है नागरा स्टाइल में, वेर एज द्रविडियन स्टाइल में रेस प्लेटफॉर्म का कॉन्सेप्ट नहीं है. वैसर स्टाइल में आप यहां पर देख सकते हैं ये पूरा क्या है आपका रेस प्लेटफॉर्म, ठीक है. तो आप क्या कहेंगे, वैसर स्टाइल में रेस प्लेटफॉर्म का कॉन्सेप्ट है, ठीक है. नेक्स्ट आएगा आपका वॉटर टैंक का कॉन्सेप्ट. वाटर टैंक का आप नागरा स्टाइल में देखेंगे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है. ज्यादातर टेम्पल्स आप क्या देखेंगे, उधर आपको वाटर टैंक का कोई ऐसे कोई सेपरेट वाटर टैंक नहीं बना हुआ, ठीक है. वेर एज द्रविडियन स्टाइल में आपको ज्यादातर टेम्पल्स में वाटर टैंक का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, एंड वैसर स्टाइल में आपको कहीं पे वाटर टैंक का कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलेगा, कहीं पे आपको वाटर टैंक का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, ठीक है. नेक्स्ट नेक्स्ट आएगा गाइस अबाउट द गोपुरम, ठीक है. गोपुरम में आप क्या देखेंगे, जो आपकी नागरा स्टाइल में है उसमें कोई गोपुरम का कॉन्सेप्ट नहीं है, वेर एज द्रविडियन स्टाइल में गोपुरम का कॉन्सेप्ट है, ठीक है. एंड वैसर स्टाइल भी आप देखेंगे यहां पर भी गोपुरम का कॉन्सेप्ट है, ठीक है. आगे चलते हैं अपन अबाउट द रूफ. रूफ के बारे में अपन अगर बात करें तो नागरा स्टाइल में जो रूफ है उसको कहा जाता है शिखर, ठीक है. द्रविडियन स्टाइल में उसको कहा जाता है विमान, ठीक है. एंड वैसर स्टाइल में भी आप क्या देखेंगे, उसको कहा जाता है रूफ को कहा जाता है विमान, ठीक है. रूफ को कहा जाता है विमान, ठीक है. आगे चलते हैं अपन, अगर संक्तम सेंटोरियम दैट इज गर्भगृह की बात करें अपन, ठीक है, गर्भगृह की बात करें तो आप नागरा स्टाइल में क्या देखेंगे, रेक्टेंगुलर शेप का आपका गर्भगृह होगा, ठीक है. वेयर एज द्रविडियन स्टाइल में आप स्क्वायर शेप का गर्भगृह देखेंगे, ठीक है. आपका गर्भगृह कैसा होगा, स्क्वायर शेप का, ठीक है. एंड वैसर स्टाइल में भी आपको स्क्वायर शेप का गर्भगृह देखने को मिलेगा, ठीक है. गर्भगृह के बाद आता है गाइस अपना कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कम एम्बुलेटरी पाथ, ठीक है.
सरकम एम्बुलेटरी पाथ की अगर अपन बात करें तो सरकम एम्बुलेटरी पाथ अनकवर्ड है, ठीक है, अनकवर्ड है इन द नागरा स्टाइल। द्रविडियन स्टाइल में आप क्या देखेंगे, जो आपका सरकम एम्बुलेटरी पाथ है वो कैसा है, वो कवर्ड है। एंड वेसर स्टाइल में भी आपको सरकम एम्बुलेटरी पाथ कवर्ड देखने को मिलेगा। गेटिंग द पॉइंट एवरीवन? तो ये क्या थी, ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ठीक है, ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अलॉन्ग विद दैट गाइज आप क्या देखेंगे, जो द्रविडियन स्टाइल थी, ठीक है, उसमें लोकल पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलेगा। लोकल पार्टिसिपेशन क्या होता है गाइज, जैसे आप क्या देखेंगे, ज्यादातर अपन टेम्पल देखते हैं, ठीक है, ज्यादातर जो आर्किटेक्चर्स अपन देखते हैं टेम्पल आर्किटेक्चरल स्टाइल की अगर अपन बात करें, तो नागरा स्टाइल जब अपन देखेंगे तो अपन कहेंगे कि गुप्ता एम्पायर के टाइम पे इसका ओरिजिन हुआ था, ठीक है, गुप्ता एम्पायर के टाइम में इसका ओरिजिन हुआ था। द्रविडियन स्टाइल की अगर अपन बात करेंगे तो अपन कहेंगे विजयनगरा जो एम्पायर था उसके टाइम पे ये अपनी पीक पर पहुंची थी, ठीक है, उस टाइम आपको सबसे मैसिव सबसे जायंट स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे इन द टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक है। वैसे ही अपन ने क्या देखा, वेसर स्टाइल में होयसाला एम्पायर के अंदर क्या हुआ था, इसका डेवलपमेंट हुआ था। तो लोकल पार्टिसिपेशन क्या होता है गाइज, अपार्ट फ्रॉम द रूलर्स, ठीक है, रूलर्स तो कुछ टेम्पल बना ही रहे, ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम दीज रूलर्स कुछ लोकल पीपल मिलके भी, ठीक है, लोकल जो आपके पीपल हैं जो कि उस एरिया में रहते हैं वो लोग मिलके भी क्या करते हैं, कुछ टेम्पल आर्किटेक्चर या फिर टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। तो नागरा स्टाइल में आप क्या देखेंगे, कोई लोकल पार्टिसिपेशन नहीं है, ठीक है, दैट इज नॉर्थ इंडिया में आपको ज्यादातर जगह कोई लोकल पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा। द्रविडियन स्टाइल में आपको लोकल पार्टिसिपेशन मिलेगा एंड वेसर स्टाइल में भी आपको लोकल पार्टिसिपेशन मिलता है। गेटिंग द पॉइंट एवरीवन? ये क्या थे, ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो अपन ने कंपैरिजन से समझ लिए। इसके अलावा भी आप क्या देखेंगे, जो आपका वेसर स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर है उसके काफी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द द्रविडियन एंड नागरा स्टाइल, ठीक है। तो सबसे पहला अपन देखेंगे, सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी बात करें तो यहाँ पर क्या देखेंगे गाइज, अगर स्ट्रक्चर देखें तो साइज देखेंगे अगर आप इस टेम्पल का, तो साइज कैसा है, स्मॉल, ठीक है, साइज कैसा है, स्मॉल। तो आप क्या देखेंगे गाइज, टेम्पल जो है वो स्मॉलर होने लग गए थे, दैट इज टेम्पल का साइज आपको छोटा दिखेगा, टेम्पल का साइज छोटा दिखेगा। उसके साथ साथ आप क्या देखेंगे, आपको स्टार शेप्ड के टेम्पल दिखेंगे, ठीक है, बीच में आपका क्या होगा, मंडप होगा एंड साइड में आपके गर्भगृह होंगे, ठीक है, चारों डायरेक्शन में आपके गर्भगृह होंगे, ठीक है, ये क्या है आपका मंडप एंड चारों डायरेक्शन में आपको गर्भगृह है, दैट इज संगम सेंटोरियम देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इनमें सेपरेट सेपरेट डेटीज को रखा जाता है, इन सबको प्लेस किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैवी कार्विंग दिखेगी, ठीक है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटिफुल और बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड, बहुत ज्यादा कार्विंग आपको दिखेगी। साइज छोटा है बट जैसा कि आप इस टेम्पल में भी देख सकते हैं जो आपको पिक्चर के फॉर्म में दे रखा है मैंने, ठीक है, इस रेफरेंस में भी आप क्या देख सकते हैं कि इसमें कितनी ज्यादा ब्यूटिफुल कार्विंग की गई है एंड कितनी ज्यादा डिटेल्ड कार्विंग है, ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा हैवी कार्विंग हो जाएगी, ठीक है, काफी ज्यादा हैवी कार्विंग आपको देखने को मिलती है। तो ये क्या है गाइज, ये कुछ सेपरेट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वेसर स्टाइल के, ठीक है, जिसमें अपन ने देखा जो टेम्पल होगा वो आपका स्मॉलर साइज का होगा, ठीक है, गर्भगृह जो है वो क्या होगा, चारों डायरेक्शन में होगा, मंडप बीच में है एंड गर्भगृह उसके चारों डायरेक्शन में है, ठीक है। देन आप क्या देखेंगे, हैवी कार्विंग आपको देखने को मिलती है, ठीक है, हैवी कार्विंग्स आपको देखने को मिलेगी। नाउ ये अपन ने कंप्लीट कर लिया गाइस, ये अपन ने कंप्लीट कर लिया अपना वेसर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। अब अपन स्टार्ट करेंगे विद द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे जस्ट अ सेकेंड, या तो स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज अपन जो पहला टेम्पल है उसको स्टार्ट कर देंगे, दैट इज आर कनक दुर्गा टेम्पल, ठीक है, कनक दुर्गा टेम्पल जो कि आपको दिखेगा विजयवाड़ा में, ठीक है,
गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका क्या है, विजयवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, विजयवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर आपको कनक दुर्गा टेम्पल दिखेगा, ठीक है। नाउ कनक दुर्गा टेम्पल की अगर अपन लोकेशन देखे गाइज, तो वो आंध्र प्रदेश में कहाँ पर दिखेगा आपको, विजयवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। विजयवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अलावा आप क्या देखेंगे, यहाँ पर आपको ये हिल्स पे लोकेटेड है आपका टेम्पल, ठीक है। ये जो टेम्पल है वो बेसिकली कहाँ पे लोकेटेड है, हिल्स पे लोकेटेड है। एंड यहाँ पर आप क्या देखेंगे, किसकी पूजा हो रही है, बेसिकली दुर्गा, गॉडेस दुर्गा की पूजा की जाएगी, ठीक है। तो अब इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स अपन देख लेते हैं। I'm so sorry. सबसे पहला ये आप क्या देखेंगे गाइज, इंद्र कालिंद्री हिल्स, ठीक है, इंद्र कालिंद्री हिल्स है आपकी। जो कि आपके बैंक ऑफ कृष्णा रिवर पे लोकेटेड है, ठीक है। इंद्र कालिंद्री हिल्स हैं जो कि बैंक ऑफ कृष्णा रिवर पे लोकेटेड हैं, वहां पर आपका ये जो टेम्पल है वो सिचुएटेड है। ठीक है, वहां पर ये जो टेम्पल है वो सिचुएटेड है, ठीक है। एंड यहां पर आप क्या देखेंगे गाइस, जो इंद्र कालिंद्री हिल्स है, ठीक है, जो आपकी कनक दुर्गा है, ठीक है, कनक दुर्गा जो है वो ये माना जाता है वो इंद्र कालिंद्री हिल्स पे सिचुएटेड है, इसीलिए उनके लिए क्या बनाया गया है, जो आपका कनक दुर्गा टेम्पल है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है, ठीक है। एंड यहां पर आप क्या देखेंगे गाइस, यहां पर ये माना जाता है कि आपको स्वयंभू, ठीक है, जो आपके डेटी है आज स्वयंभू आपको दिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ त्रियकल्प, ठीक है, त्रियकल्प के फॉर्म में। डेटी एस स्वयंभू, ठीक है, इन त्रियकल्प, जो आपके डेटी हैं वो कैसे डिस्क्राइब्ड है, एज स्वयंभू इन त्रियकल्प, ठीक है, त्रियकल्प में वो है, ठीक है। नाउ यहां पर गाइज आप क्या देखेंगे, यहां पर स्पेशल पूजा परफॉर्म की जाती है, ठीक है, यहां पर स्पेशल पूजा परफॉर्म की जाती है। एंड ये आप क्या देखेंगे, 10 दिन तक ये स्पेशल पूजा चलती है, ठीक है, ये 10 दिन तक स्पेशल पूजा चलती है। इसको क्या बोला जाता है, दशहरा, ठीक है, इसको बोला जाता है दशहरा। एंड इसमें 10 अवतार की, ठीक है, जो 10 अवतार है उनकी पूजा की जाती है, ठीक है, 10 अवतार की पूजा की जाती है। एंड इसको आप क्या कहते हैं, नवरात्रि भी कहा जाता है, ठीक है, इसको नवरात्रि भी कहा जाता है। तो जैसे क्या है, अपने नव दुर्गा की क्या होती है, पूजा होती है, 9 फॉर्म की पूजा होती है, उसी तरीके से आप क्या देखेंगे, ये क्या है, एक तरीके से नवरात्रि है यहाँ की, ठीक है, इस एरिया की, ये क्या है, विजयवाड़ा की एरिया की क्या है, ये एक तरीके से नवरात्रि हो गई। तो इसमें आप क्या करेंगे, आप 10 फॉर्म की पूजा करेंगे, ठीक है, जो 10 फॉर्म्स हैं उनकी पूजा करेंगे, ठीक है। नाउ इसमें दुर्गा के 10 फॉर्म्स की पूजा होती है, ठीक है। एंड इसमें से सबसे सिग्निफिकेंट, ठीक है, सबसे सिग्निफिकेंट अगर आप देखेंगे तो कौन सी है, सरस्वती पूजा, सरस्वती पूजा, ठीक है। एंड आप यहां पर देखेंगे एक और आपको देखने को मिलेगा, थेपोत्सव, ठीक है, थेपोत्सवम, ठीक है, जो थेपोत्सवम है, ठीक है, इस ये क्या है, एक तरीके से फ्लोटिंग फेस्टिवल है, ठीक है। फ्लोटिंग फेस्टिवल में क्या है गाइज, बेसिकली जो डेटी है, ठीक है, जो डेटी है उनको नाव को डेकोरेट करके नाव में रखा जाता है, ठीक है। एंड उनको क्या किया जाता है, उनको बेसिकली जो आपकी जो रिवर है, ठीक है, जो आपका रिवर है या फिर आपका जो वाटर एरिया है वहां पर उनको ले जाया जाता है, ठीक है, वहां पर उनको ले जाया जाता है, उनको पूरा भ्रमण करवाया जाता है, ठीक है। तो काफी सारे लोग जाते हैं उनके साथ साथ, ठीक है, देन वापस से क्या करते हैं, डेटी को निला के, ठीक है, वापस से उनको अपने संक्टम सेंटोरियम या फिर आप क्या कह सकते हैं, गर्भगृह में रख दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, जस्ट अ सेकंड, इसको क्या बोलेंगे आप,
थेपोत्सवम, थेपोत्सवम। ठीक है, थेपोत्सवम इसको क्या बोलते हैं? फ्लोट फेस्टिवल। ठीक है, फ्लोट फेस्टिवल कहा जाता है इसको। सो आप क्या देखेंगे गाइस, जैसे कि आप क्या कहते हैं, जो स्पेशल पूजा है वो परफॉर्म की जाती है दशहरा में। ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं, नवरात्रि भी बोलते हैं। एंड यहाँ पर आप क्या देखेंगे, जो मेन पूजा है वो सरस्वती पूजा होगी एंड थेपोत्सवम होगा। ठीक है, जो कनक दुर्गा देवी है, ठीक है, वो क्या है, चीफ डेटी है। ठीक है, इनके दसों अवतार की पूजा की जाती है यहाँ पे। ठीक है, इनके दसों अवतार की पूजा की जाएगी यहाँ पर। एंड यहाँ पर आप क्या देखेंगे गाइस, इसको आप क्या कहते हैं, अलंकार भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, अलंकार भी कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप क्या देखते हैं गाइस, जो दस जो फॉर्म है, ठीक है, दस जो फॉर्म है, अपन नवरात्रि में क्या होता है, बेसिकली जो नव दुर्गा है उनके सीक्वेंस वाइज आते हैं। ठीक है, उनकी पूजा कैसे होती है, सीक्वेंस वाइज। ठीक है, उनकी पूजा होगी सीक्वेंस वाइज। बट जो आपकी क्या है, जो आपके दस अवतार हैं, ठीक है, वो बेसिकली कौन सा स्टार आ रहा है, ठीक है, कौन सा एस्ट्रोलॉजिकल स्टार पहले आ रहा है, कौन सा बाद में आ रहा है, उसके हिसाब से क्या है, ये जो दसों दुर्गा के फॉर्म्स हैं, ठीक है, दसों अवतार हैं, वो ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, नाउ ये क्या है गाइज, ये आपका फ्लोटिंग फेस्टिवल है। ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं, थेपोत्सवम। ठीक है, थेपोत्सवम, ये आपका फ्लोटिंग फेस्टिवल है जिसको कहते हैं थेपोत्सवम। थेपोत्सवम में आप देख सकते हैं ये क्या है, आपका वाटर बॉडी है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, काफी सारे लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले डेकोरेट किया गया आपकी नाव को, एंड देन उस नाव में बिठाकर आप डेटी को लेके जा रहे हैं। ठीक है, उनको पूरा भ्रमण करवा के लाएंगे, उनको नहलाएंगे। ठीक है, एंड वापस से उनको लाकर आप संक्टम सेंटोरियम में रख देंगे। ठीक है, दिस इज वॉट बेसिकली द थेपोत्सवम इज। ठीक है, नाउ गाइस, ये जो थेपोत्सवम है या ये जो फ्लोट फेस्टिवल है, ठीक है, ये आप क्या देखेंगे, ये सिर्फ कनक दुर्गा टेम्पल में नहीं होता। ठीक है, कनक दुर्गा जो टेम्पल है, इट इज वन ऑफ द टेम्पल जहां पर ये फ्लोट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, आप देखेंगे जो तिरुमला वेंकटेश्वर टेम्पल है, वहां पर भी ऑर्गेनाइज होगा। मीनाक्षी अम्मम टेम्पल है मदुरई में, वहां पर भी ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, श्यामा प्रभु मिरम्मन टेम्पल जो है, वहां पर भी ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, सिमाचलम टेम्पल, ठीक है, कनक दुर्गा टेम्पल, थियागराजर टेम्पल, ठीक है, तिरुवर में। ठीक है, देन आप क्या देखेंगे, कोलारमा टेम्पल, ठीक है, ये कोलार में है, कर्नाटका में, एंड तिरुवर। ठीक है, ये आपके बेसिकली टेम्पल्स हैं जहां पर क्या देखेंगे आप, जहां पर आप देखेंगे फ्लोट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, तो कनक दुर्गा टेम्पल के अलावा आप नोट कर सकते हैं ये आठों टेम्पल है जहां पर फ्लोट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होगा। ठीक है, सो आज के लिए गाइज अपन यही तक रखते हैं। ठीक है, तो आज अपन ने क्या देखा, सबसे पहले अपन ने देखा वेसर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। ठीक है, वेसर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, एंड देन वी स्टडीड अबाउट कनक दुर्गा टेम्पल। ठीक है, अपन ने आंध्र प्रदेश स्टार्ट कर दिया है। आंध्र प्रदेश में अपन ने जो पहला टेम्पल देखा, दैट वॉज कनक दुर्गा टेम्पल। ओके, सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर कोई भी सजेशंस हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स एंड आवर लेक्चर फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।